गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, ताप गुणांक, क्रिश्चॉफ्स का नियम के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हम लोग रेसिस्टर और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसा पदार्थ जो धारा के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस को मापने का इकाई ओम है, जिसे ओमेगा से और रेसिस्टर को आर से सूचित किया जाता है। ओम एक छोटी इकाई है, इससे बड़ी इकाई किलो ओम, मेगा ओम के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसिस्टर के बारे में समझेंगे। रेसिस्टर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला फिक्स रेसिस्टर, हिंदी में इसे स्थिर मान का प्रतिरोध कहते हैं। सेकंड सेमी वेरिएबल रेसिस्टर और थर्ड वेरिएबल रेसिस्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स रेसिस्टर किसे कहते हैं। वैसा रेसिस्टर जिसके मान में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उस रेसिस्टर को फिक्स रेसिस्टर कहा जाता है। इस रेसिस्टर का मान तापमान के अनुसार और समय के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इसे नगण्य मान लिया जाता है। फिक्स रेसिस्टर दो प्रकार के होते हैं, कार्बन रेसिस्टर और वायर बाउंड रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर उस रेसिस्टर को कहा जाता है जिसका मान 2 ओम से 10 मेगा ओम के बीच होता है, तथा इससे कम करंट प्रवाहित किया जाता है, जैसे 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट या 2 वाट। इससे ज़्यादा करंट वाले जगह पर इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। बनावट के दृष्टि से यह रेसिस्टर दो प्रकार का होता है। पहला है प्लेट या स्लग टाइप रेसिस्टर, जिसे हम लोग कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर के श्रेणी में रखते हैं। कार्बन कंपोजिशन श्रेणी का दूसरा रेसिस्टर है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, और दूसरा जो कार्बन रेसिस्टर है उसका नाम है फिल्म टाइप कार्बन रेसिस्टर। फिल्म टाइप कार्बन रेसिस्टर को 900 डिग्री से 1100 डिग्री के बीच तापमान पर सेरामिक पदार्थ की पतली नली पर हाइड्रोकार्बन के वाष्प कण को एकत्र करके बनाया जाता है, तथा कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर को बनाने के लिए कार्बन के बुरादे में रेजिन बाइंडर की सहायता से जमाकर बनाया जाता है, तथा कनेक्शन के लिए टीन आरोपित तांबे के तार को जोड़ा जाता है।
इन रेसिस्टर्स का साइज काफी छोटा होता है, जिसके कारण इसका मान इसके बॉडी के ऊपर कलर के रूप में अंकित किया जाता है, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन रेसिस्टेंस का मान कलर के रूप में अगर अंकित है तो उसका वैल्यू हम उसका मान हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। अगला रेसिस्टर है सेमी वेरिएबल रेसिस्टर, सॉरी फिक्स रेसिस्टर का दूसरा पार्ट है वायर वाउंड रेसिस्टर। वायर वाउंड रेसिस्टर का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां करंट का प्रवाह 2 एम्पियर से ज्यादा होता है। यह रेसिस्टर 3 प्रकार का होता है, जिसे फिक्स टाइप वायर वाउंड रेसिस्टर, टैप्ड वायर वाउंड रेसिस्टर और एडजस्टेबल वायर वाउंड रेसिस्टर के नाम से जाना जाता है। टैप्ड वायर वाउंड रेसिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रेसिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल रेसिस्टर। यह रेसिस्टर ऐसा रेसिस्टर है जिसके मान को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। बनावट के दृष्टि से अगर देखा जाता है तो यह वायर बाउंड के समान ही होता है, लेकिन वायर बाउंड रेसिस्टर को बनाने के बाद उसके ऊपर कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है, जबकि सेमी वेरिएबल रेसिस्टर में वो लेप नहीं चढ़ाया जाता है। इस रेसिस्टर को रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तीसरा जो रेसिस्टर है वह है वेरिएबल रेसिस्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल परिवर्तनशील प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान 0 से उसके अधिकतम मान तक और अधिकतम मान से 0 मान तक घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यह रेसिस्टर 2 प्रकार का होता है। पहला मैनुअल रेसिस्टर और दूसरा ऑटोमेटिक रेसिस्टर। मैनुअल रेसिस्टर हम लोग उस रेसिस्टर को कहते हैं जिसके मान को मैनुअली बदला जाता है। इसके मान को बदलने के लिए इसमें एक लीवर बना होता है या एक ऐसा स्ट्रिप होता है जिसमें एक घाट बना होता है, जिसमें पेचकस की सहायता से हम लोग उसके मान को चेंज करते हैं। यह मैनुअल रेसिस्टर 2 तरह का होता है, लॉग टाइप और लीन टाइप। लॉग टाइप रेसिस्टर उस रेसिस्टर को कहा जाता है जिसका मान असमान रूप से बदलता है। इस रेसिस्टर का उपयोग वॉल्यूम कंट्रोल्स में किए जाते हैं, जबकि लीन टाइप रेसिस्टर उस रेसिस्टर को कहा जाता है जिसका मान एक समान रूप से चेंज होता है। बास कंट्रोल, टोन कंट्रोल, अन्य जितने भी जगह कंट्रोल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर में जो रेसिस्टर लगा होता है,
के स्पीड को चेंज करने के लिए, वह लीन टाइप रेसिस्टर होता है। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल रेसिस्टर का दूसरा पार्ट, जिसे ऑटोमेटिक रेसिस्टर कहते हैं। ऑटोमेटिक रेसिस्टर एक ऐसा रेसिस्टर होता है जिसके मान को घटाना बढ़ाना नहीं पड़ता है, स्वतः वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसका मान चेंज होता है। यह रेसिस्टर तीन प्रकार का होता है, जिसे हम लोग LDR, VDR और थर्मिस्टर के नाम से जानते हैं। LDR वैसा रेसिस्टर है जिसमें सिलिनियम के द्वारा बना हुआ एक ऐसा रेसिस्टर जिसका मान उस पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुसार चेंज होता है। फायर अलार्म या स्ट्रीट लाइट में हम लोग LDR का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी LDR का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर प्रकाश की सहायता से हमें सर्किट को नियंत्रित करना होता है। ऑटोमेटिक रेसिस्टर का दूसरा पार्ट है VDR। VDR एक वैसा प्रतिरोध है जिसका मान उसके सापेक्ष वोल्टेज के अनुसार चेंज होता है, और यह दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल टाइप वैरिस्टर या VDR और अनसिमेट्रिकल टाइप वैरिस्टर या VDR। तीसरा जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान उस जगह के तापमान के अनुसार परिवर्तित होता है। थर्मिस्टर को दो भागों में बांटा जाता है, एक को NTC कहा जाता है, दूसरे को PTC कहा जाता है। NTC नेगेटिव तापमान कोफिशिएंट वाले पदार्थ से बना होता है। इसका प्रारंभिक रेसिस्टेंस का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है करंट का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जबकि PTC वैसा प्रतिरोध है जिसमें पॉजिटिव ताप गुणांक वाले पदार्थ से बना होता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इस प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिसके कारण उससे प्रवाहित होने वाले करंट का मान घट जाता है। इसका उपयोग बायस स्थिरीकरण के लिए प्रायः अधिकतर किया जाता है। इसके अलावा भी एक और रेसिस्टर होता है जिसे ब्लास्ट टाइप रेसिस्टर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग अलग-अलग प्रकार के सर्किट में करंट स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग कार्बन रेसिस्टर का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कार्बन रेसिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन रेसिस्टर की क्या विशेषताएं होती है, कार्बन रेसिस्टर को कितने तरह से जोड़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।